हेलो दोस्तों, मैं दिव्या कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से रिलेटेड क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे। आते हैं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मीर कासिम, दूसरा ऑप्शन मीर जाफर, तीसरा ऑप्शन सिराजुद्दौला, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किए थे। इसका सही आंसर मीर कासिम होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को है, निम्नलिखित में से, सॉरी यहाँ पे यूं होगा, जो सही सुमेलित करना है। इसका बताने कि इसमें सही कौन सा है। इसका पहला ऑप्शन है बक्सर का युद्ध 1764, दूसरा ऑप्शन बांडीवास का युद्ध 1765, तीसरा ऑप्शन प्लासी का युद्ध 1768, चौथा ऑप्शन पानीपत का तीसरा युद्ध 1771। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध 1764। और दोस्तों, बांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो 1760 में हुआ था, प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था, और जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो 1761 में हुआ था। सभी युद्ध का जो ईयर है उसे याद भी रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है फरूख सियर, दूसरा ऑप्शन है सालम प्रथम, तीसरा ऑप्शन है सालम द्वितीय, और चौथा ऑप्शन है सिराजुद्दौला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सालम द्वितीय ने है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किए थे, याद रखना है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो किसे बनाए थे दोस्तों? पहला ऑप्शन है राय दुर्लभ, दूसरा ऑप्शन है सिताब राय, तीसरा ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद रजा खान। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? वो 1764 में हुआ था, 1764 में, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, तो डेट भी याद रखना है कि 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। और उस समय जो युद्ध हुआ था उस समय दिल्ली का शासक कौन था ये बताना है। ऑप्शन है इसका औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, तीसरा ऑप्शन है शाह आलम प्रथम, और चौथा ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय। तो सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था वो कौन सा युद्ध है? तो पहला ऑप्शन हो गया बक्सर का युद्ध, दूसरा ऑप्शन हो गया वांडीवास का युद्ध, तीसरा ऑप्शन हो गया पानीपत का युद्ध और चौथा ऑप्शन हो गया प्लासी का युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध सही उत्तर है, बक्सर का युद्ध। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सातवां क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? इसमें बताने जो प्लासी का युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हुआ था प्लासी का युद्ध, प्लासी का जो जगह है वहीं हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। डेट याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड विलियम बैटिक, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड कर्नवालिस, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सेन सफलता किसे मानी जाती है? तो किसे मानी जाती है, कौन सी युद्ध को मानी जाती है बताना है। पहला ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, तीसरा ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, चौथा ऑप्शन है हल्दीघाटी का युद्ध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा प्लासी का युद्ध, जो कि बता चुके 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसी को इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के प्रथम निर्णायक सेना का सफलता का कारण माना जाता है। इसे याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? इसका ऑप्शन हो गया पहला ऑप्शन सरफराज खान, दूसरा ऑप्शन मुर्शीद कुली खान, तीसरा ऑप्शन अलवर्दी खान, चौथा ऑप्शन शुजाउद्दीन मुहम्मद खान। तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। आज का ये अंतिम क्वेश्चन रहा।